शुक्रवार को अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष छोटे पटेल और किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रामराज पटेल और सिहोरा ब्लॉक अध्यक्ष ओबीसी जितेंद्र कुमार कुर्मी के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी को आरआई महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के समस्याओं को हल करने की मांग की गई, जैसे समर्थन मूल्य पर की जाने वाली धान खरीदी के पंजीयन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर तक करें और सिहोरा से सरौली मझगवा रोड पर ट्रक हाईवा के ड्राइवरों की लापरवाही से आए दिन एक्सीडेंट और मौतें हो रही हैं। क्षमता से अधिक डस्ट बक्साइट लेकर जाते हैं, जिससे रोड पर दो पहिया वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। इधर दोनों समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की मांग की गई है। आज अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी एससी एसटी संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में एसडीएम महोदय को किसानों की जन समस्या, जैसे धान की गिरदावरी में नाम नहीं आ रहे, दूसरे किसानों के नाम आ रहे, और समय सीमा 15 तारीख की, तो 15 तारीख की समय सीमा को 30 तारीख तक बढ़ाया जाए, 15 दिन का और समय दिया जाए ताकि किसानों के पंजीयन समय पर हो सकें। इस संदर्भ को लेकर एसडीएम महोदय को आज ज्ञापन सौंपा गया ओबीसी जिलाध्यक्ष छोटे पटेल। ओबीसी महासभा के तत्वाधान में एसडीएम कार्यालय सिहोरा में ज्ञापन दिया है। हमारे किसान भाइयों की काफ़ी कुछ समस्याएं हैं, जो धान के पंजीयन पर गिरदावरी पर फसल दर्ज नहीं है, नाम गलत बता रहे हैं, इसकी वजह से हमारे किसान भाइयों के धान की रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इसकी डेट 30 अक्टूबर तक बढ़ाई जाए और जो भी त्रुटियाँ हैं राजस्व में उनको सुधारा जाए। और हमारी दूसरी मांग है, आज सिहोरा से सरौली मझगवा के लिए जो मेन रोड है, नेशनल हाईवे रोड, और ये ज्ञापन अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी एसटीएस संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक ज्ञापन दिया गया। एक तो अगरिया से मझगवा जो प्रतापपुर पहुंच मार्ग है अगरिया, इसमें अत्यधिक हाईवे चलते हैं, ओवर रोड लेके चलते हैं, खाली भी चलते हैं, सिंगल रोड है, उसमें विगत 27 दिन से अनवरत जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब दूसरी समस्या ये आ रही है कि मझगवा सरौली से जो है खितौला होके हुए हाईवा आते हैं, इतना ओवरलोड लेके आते हैं कि पूरे रोड में जो है उनका डस्ट जो है गिरता है और वो धूल धूल बनकर जो है आजू बाजू जो मकान बने हुए हैं उसमें जो है हो जाता है। उस संबंध में शासन प्रशासन से अनुरोध है कि उस तरफ भी ध्यान दिया जाए, ओवरलोड अगर नहीं रोके जाते तो वहाँ भी बाहर रोकना। सड़क की क्षमता कितनी है उसकी? अगर ये अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि गिरदावरी हो चुकी है, लेकिन वो सर्वर पे शो नहीं हो रही और इनको भी नहीं दिख रही, जैसे रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, तो इनका कहना है कि अभी जो 15 तारीख तक की डेट है उसको बढ़ा के 30 तारीख तक कर दिया जाए। और एक इनके द्वारा दूसरा ज्ञापन दिया गया है कि जो अभी लगातार हाईवे से ट्रक वगैरह जो निकल रहे हैं उससे रोड प्रभावित हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत, धूल उड़ रही है, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, तो उसके संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया हुआ है ना, ओवरलोडेड ट्रक की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसके लिए केस हो रहा है, इसमें सुधार करने के लिए। आपका नाम बता दीजिए। नीरज पाटकर आ रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।